हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब डॉक्टर सुनील तमर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। दोस्तों, बात करते हैं, कैन आई कॉपी समवन नोज? क्या मुझे किसी के नोज की बिल्कुल जो है हूबहू कॉपी हम सर्जरी कर सकते हैं? दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे अनेक ऐसे उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, आई एम ए नोज सर्जन, राइनोप्लास्टी सर्जन। बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट आके जब मैं पूछता हूँ उनको क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे को एक पिक्चर दिखाते हैं कि बहुत बार फीमेल पेशेंट या गर्ल्स आती हैं, मेरे को प्रियंका चोपड़ा का जैसा नोज चाहिए या ऋतिक रोशन जैसा नोज चाहिए। सो दोस्तों, बात करते हैं कि क्या हम किसी के नोज की कॉपी हमारे फेस पे कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है, क्या है ये राइनोप्लास्टी सर्जरी? डेफिनेटली वी कैन रीसाइज एंड रीशेप ऑफ द नोज अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स। जैसे सेकेंड पैरा में आपने बोला कि वी कैन रीशेप एंड रीसाइज अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स। तो दोस्तों, हमारा जो नोज जो है, हमारे जो नोज के साथ में जो हमारी आई जी की बाकी जो पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग राइनोप्लास्टी से इस नोज को हम जो है वो सेट करते हैं। अब रही बात किसी की कॉपी, तो दोस्तों, जो अगर हम किसी के नोज की कॉपी करते हैं तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं, आईज हैं, चीक हैं, वो तो नहीं बदल सकते, तो फिर उनका कॉपी किया हुआ नाक हमारे फेस पे कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए ये जो हमारे दिमाग में एक मिथ है कि किसी सेलिब्रिटी जैसा नोज चाहिए, दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी में द गोल ऑफ द सर्जरी, सबसे पहले जो उसका उद्देश्य है वो है वी जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज। हमारा नोज ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। पहली बात, हमें अच्छे से सांस आना चाहिए। गॉड ने हमारा नोज किस लिए बनाया? जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग टू अवर बॉडी। सो अगर हमने बहुत सुंदर नाक बना लिया, उसका सांस नहीं आया, तो क्या मतलब है? तो पहला काम ब्रीदिंग आना। सेकेंड, जो हमारे नोज में विकृति है, किसी का डेविटेड है, टेढ़ा है, किसी का बैठा हुआ है, या किसी का ब्रोड है, या किसी का ट्विस्टेड है, तो उसको हमें ठीक करना है। हमें किसी के नोज की कॉपी नहीं करना। अगर हमने वाकई में किसी की कॉपी भी दोस्तों करने की कोशिश की है, तो मेरे को लगता नहीं है कि वो आप उसके बाद सेटिस्फाई हो पाएंगे, क्योंकि हमने बाकी जो पैरामीटर्स है वो थोड़ी चेंज कर सकते हैं। उसका नोज बनाने के लिए तो उसके जैसा फेस बनाना पड़ेगा, तो उसके जैसा फेस तो हम बना ही नहीं रहे। हमने तो खाली नोज की सर्जरी करनी है। इसलिए दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें जो नोज है, हमारा नोज जब हम सर्जरी कराने जाते हैं, तो हमें एक अच्छे से दिमाग से ही सोच लेनी चाहिए कि किसी के जो है नोज की कॉपी करना मुमकिन नहीं है। हाँ, हम आपके नोज की जो विकृति है उसको हम ठीक कर सकते हैं, और राइनोप्लास्टी सर्जरी का उद्देश्य भी यही है कि हमारा जो नोज है वो, हमारी जो डिफॉर्मिटी है, जो हमारी विकृति है, वो ठीक हो। सो कॉस्मेटिकली हमारे जो है नोज की, हमारे जो है वो अपील हो, एस्थेटिक अपील हो। दूसरा, अगर हमारा ब्लॉकेज है तो नोज का ब्लॉकेज भी करेक्ट हो, जिससे हमें अच्छे से ब्रीदिंग आए। सो ये दो बेसिकली हमारे जो है वो मोटिव है सर्जरी करने की। सो अगर दोस्तों आपके दिमाग में ये मिथ है, तो हमें अच्छे से निकाल देना चाहिए कि किसी के नोज की कॉपी करना मुमकिन नहीं है, और अगर हमने किया तो हमारे चेहरे पे वो शो ऑफ अच्छा नहीं लगेगा। सो दोस्तों, दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस मिथ इज यूजफुल फॉर यू, एंड यू कैन शेयर टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द राइनोप्लास्टी सर्जरी। थैंक यू।